पानी पटाया हुआ नहीं है, ये रहा पानी ऊपर से अल्लाह के करम से बारिश हुआ है, इतना ज़्यादा दिखा रहा हूँ, कितना खेत है सब खेत में देख सकते हो, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना, ये देख सकते हो ये धान वगैरह, कल से धान भी रोपा चालू हो चुका है क्योंकि पानी आ चुका है, कि रात में इतना ज़्यादा बारिश हुआ था ना इसकी वजह से हर खेत में हर जगह रोपा अभी देख सकते हो चालू है, उधर भी कुछ, उधर भी हर जगह देख सकते हो रोपा धीरे धीरे चालू हो रहा है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बिल्कुल देख सकते हो सुबह सुबह आ चुका हूँ गाइस इधर घूमने के लिए, क्योंकि ना रात भर इतना ज़्यादा बारिश हुआ, देख सकते हो ये पानी पटाया हुआ नहीं है, ये रहा पानी ऊपर से अल्लाह के करम से बारिश हुआ है, इतना ज़्यादा दिखा रहा हूँ, कितना खेत है सब खेत में देख सकते हो, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना, ये देख सकते हो ये धान वगैरह, कल से धान भी रोपा चालू हो चुका है क्योंकि रात भर गाइस इतना ज़्यादा बारिश हुआ ना, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये साल मतलब 2 साल के अंदर में इतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ था, और रात में हुआ देख सकते हो कितना सब खेत में बहुत ही अच्छा बारिश, और जो धान की जो फसल है ना वो आज से और कल से मतलब थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, मगर आज हर खेत में पानी का जो है ना जो चाहिए था किसान लोग को वो चीज़ मिल गया, आज से ज़बरदस्त वाला धान का रोपाई होगा, देख सकते हो कितना सारा खेत में कितना सारा पानी है। तो बने रहेगा इस कंटिन्यू वीडियो के साथ दोस्तों, देख सकते हो मेरा जो नदी होता था जो बहुत दिन मतलब क्या बोलें 1-2 साल के बाद ही इसमें इतना ज़्यादा पानी चल रहा है, देख रहे हो कितना सारा पानी है, और मौसम भी देख सकते हो थोड़ा बूंदा बूंदी बारिश भी हो रहा है, और बिल्कुल बारिश बना के रखा है देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपना खेत पे, और खेत पे आने के बाद देख रहे हो इधर पापा मेरा हल चला रहा है, और सामने रहा मैं जो कुदार पार रहा हूँ, इसको हम लोग गांव में खेत में जो होता है ना किनारे किनारे वो वाला झाड़ते हैं इस, जिसको हम लोग आर कुदार बोलते हैं, वही जो खेत का जो होता है ना चारों तरफ थोड़ा थोड़ा झाड़ना होता है, इससे यही होता है कि रोपने में कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ही मतलब क्या बोले थक भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा, साल में तो एक बार काम करना होता है ना, इसके वजह से इतना ज़्यादा थक जाते हैं, तो वही हम थोड़ा देर करते थे और फिर थोड़ा देर रेस्ट करते थे। तो ये रहा मेरा पापा, इधर देख सकते हो जो मेरा पापा जो हाल चला रहा है, और हम भाई वगैरह सब साथ में आया है, और तमीम भी इधर है देख सकते हो, और इतना ज़्यादा क्या बोलें इतना ज़्यादा हम थक गए थे ना, फिर एक आया अफ्ताब भाई आया थोड़ा सा मेरा हेल्प करने के लिए, देख सकते हो ये अभी कर रहा है, और कितना खूबसूरत गाइस नज़ारा है, और इतना ज़्यादा बारिश हुआ था ना तो देख सकते हो मेरा खेत में कितना ज़्यादा पानी भर चुका है, पूरा खेत देख सकते हो गाइस, पूरा खेत ही देख सकते हो पूरा पानी से भर चुका है, और इधर रहा मेरा रियाज भाई और कैफ वगैरह सब बैठा है, और पूरा पानी देख सकते हो हर तरफ चारों तरफ इतना ज़्यादा, मेरा ही खेत में नहीं सबका खेत में जितना हम लोग को चाहिए था रोपा करने के लिए इतना पानी पड़ गया, और बहुत दिन के बाद ही बारिश हुआ था देख सकते हो, खेत वगैरह बिल्कुल भर चुका है। बने रहेगा इस वीडियो के साथ में दोस्तों, हम लोग अभी जो है ना इस खेत को हल चला के मतलब वो काद कर रहे हैं इसको, और उधर रहा मेरा पापा देख रहे हो अभी चला रहा, अभी हम आके बैठे हैं थक गए, और देख सकते हो ये बिल्कुल हो चुका है, कितना सारा पानी है, और बादल भी देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है मौसम, देख सकते हो कितना हर खेत में पानी आ चुका है, कि रात में इतना ज़्यादा बारिश हुआ था ना इसकी वजह से हर खेत में हर जगह रोपा अभी देख सकते हो चालू है, उधर भी हर जगह देख सकते हो रोपा धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो कंटिन्यू वीडियो के साथ दोस्तों, देख सकते हो ये कंप्लीट कादा हो चुका है, ये वाला खेत पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इधर देख सकते हो कितना खूबसूरत सारा मौसम हो रहा है, और बेल वगैरह देख सकते हो धो के वहाँ पे रख दिया हूँ, क्योंकि अब ये इसको छोड़ देंगे चलने के लिए, उसके बाद चलते हैं गाइस घर पे, हवा बहुत ही तेज चल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम बिल्कुल नहा धो के फिर उसी खेत में आ चुके हैं, देख सकते हो इधर अभी रोपा हो रहा है, और इधर आधा बाकी है,
आधा से कुछ कम, और देख सकते हो कि इतना खूबसूरत मेरा जो गांव है ना, पानी पड़ने पे कितना अच्छा लगता है खेत वगैरह।